जय जगन्नाथ सभी को। तो एक बार से फिर से स्वागत है आपका मुंबई लाइफ में। तो हम लोग अभी, आपने देखा कल हमने भुवनेश्वर घूमा और आज हम लोग रेडी होके जा रहे हैं पुरी। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं भुवनेश्वर से। अब देख सकते हैं आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितना क्लीन है यहाँ पर, एकदम नीट क्लीन, नो पॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ से इंजॉय करते हुए निकल गए। और अब देखो हम लोग रेडी वेडी होके जा रहे हैं ना, देख लिया आपने। और यहाँ भी अच्छा लग रहा है, मतलब भुवनेश्वर तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरा ही शहर है। मुंबई से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे आ जाता है यहाँ पे। और मुंबई से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पे? हाँ। ओह माय गॉड, मुंबईकर गॉट ऑफेंडेड। मुंबई में भी आता है पर ये मेरा गाँव है ना, इसलिए ये गाँव मेरा ऐसा लगता है। बसेरा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, अपने ही शहर में आज अजनबियों की तरह, टूरिस्ट की तरह घूम रहे हैं, टूरिस्ट की तरह। पर एनीवे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने कार हायर की है और ये अच्छी सुविधा है कि आप अगर आ रहे हैं तो मस्त कार हायर करें और उड़ीसा को तो बाय रोड और अपने अकॉर्डिंग घूमें यहाँ पे। तो अब हम लोग भी वही करने वाले हैं। हमने अपना पहला, कल आपको दिखाया मंदिर, गए थे हम राम मंदिर और ज़्यादा नहीं घूम पाए भुवनेश्वर में क्योंकि रात हो गई थी। बट हाँ, पुरी आज हम लोग जा रहे हैं। तो पुरी जाने के बाद में, पुरी से लौटने के बाद में, जब भुवनेश्वर का और रहेगा प्लान, टूर जो भी है, फिर वो आपको दिखाएंगे। बट हाँ, ये बहुत अच्छा है कि आप कार हायर करके खुद से घूमें। ये देखो, अगर कार चलानी आती आपको अच्छे से, कॉन्फिडेंट हो, तो हमारे ड्राइवर की तरह। तो ये अभी हम लोग भुवनेश्वर के जो बाईपास हाईवे है वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और ये दया नदी है। इसकी स्टोरी भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब भुवनेश्वर घूमेंगे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितने बढ़िया हाईवे, एकदम आसमान साफ, मतलब मज़ा ही अलग है टूर का। हम लोग रास्ते में रुक गए फैसले करने के लिए। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये पुरी का न्यू बस स्टैंड है जो नव कलेवर के टाइम पे बना था 6-7 साल पहले। और आज हम लोग यहाँ रुक गए, रास्ते में देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। जो लोग बस से आएंगे भुवनेश्वर से, वो यहाँ उतरेंगे, यहाँ से फिर आगे जाना होगा उनको। यहाँ से भी काफी आगे है फिर। अब देखना तो ये सीजन 20 मिनट, देखना तो ये सीजन को कैसा लग रहा है। रोड तो एकदम बढ़िया है, कई बार लोगों को शिकायत नहीं होगी यहाँ के रोड से, बिल्कुल भी नहीं, बहुत एकदम मस्त रोड है। तो अब हम आपको पूरी मिलेंगे फिर। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक माता रानी का मंदिर आएगा, आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ मंदिर पर रुक गए हैं। बताते हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पहले माता रानी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। तो हम यहाँ रुक गए हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं और आप आशीर्वाद लीजिए। आज सप्तमी है तो यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से लोग दर्शन करने आ रहे हैं और बहुत ही क्राउड है, मैया के आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, तो आप मैया के दर्शन करें और आशीर्वाद लें। आपको आगे और दिखाते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, लोग कितने उत्साह के साथ आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने। तो मैया को यहाँ पे दीप अर्पित करते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे, मैं और शीतल भी मैया को दीप अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैया को भी दीप हमने अर्पित कर दिया है और आशीर्वाद ले लिया है मैया से। Thank you.
तो आपने मंदिर देखा, साइड में चंडी का पाठ चल रहा था, माता चंडी का, और मंदिर में एकदम खूबसूरत माहौल बना हुआ था पूजा पाठ का। तो शांति से हम लोगों ने दर्शन किए, और ये देखिए हम लोग पुरी में एंटर कर चुके हैं। पुरी के मतलब मेन द्वार से हमने एंट्री कर ली है, और अब हम लोग आ गए हैं गुंडीचा माता के मंदिर, जहाँ पर जगन्नाथ जी रथ यात्रा के बाद में अपनी मौसी के यहाँ पर विश्राम करते हैं, या अपनी नानी मौसी के यहाँ पर रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेट आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ। हम लोग गुंडीचा मंदिर आए, और यहाँ पे अभी शायद काम चल रहा है तो मंदिर बंद है। हम लोगों को अंदर दर्शन करने जाने नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ जी का धर्म क्षेत्र है, निवास स्थान है, मौसी का घर है। तो यहाँ पे लोग आते हैं वो जगन्नाथ जी जब नव वो होता है, क्या बोलते हैं, जगन्नाथ जी को जब घूमना होता है, रथ यात्रा होती है, तो जगन्नाथ जी यहाँ पे आते हैं अपने मौसी के यहाँ पे। और यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए बंद है, तो आप बाहर से दर्शन कर लें। अभी तो एंट्री करी है हमने पुरी में, धूप इतनी प्रचंड है ना कि जल गए जल। और कोई बात नहीं, भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं आज इतनी तगड़ी धूप में। और परीक्षा क्या ले रहे हैं, यहाँ पर इतनी धूप पड़ती है। भगवान जी कहेंगे तुम ही कौन सा अलग आए हो मेरे प्रदर्शन करने, मैं तो ऐसे ही, मेरा शहर तो। भगवान जी ने आपका शनि का जो दोष है वो भी दूर कर दिया कि आपकी चप्पल टूट गई। चप्पल टूट गई, पैर जला दिए पूरे नीचे से पार, अर्थ एलिमेंट चांद तक खत्म हो गया, अर्थ एलिमेंट चांद तक सही कर दिया। अच्छा था। और सबसे अच्छा आंखों को सुकून देने वाला दर्शन जो जगन्नाथ जी की ध्वजा का दर्शन हमें हो रहा है, मंदिर हमें दूर दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा एक इमोशनल मूवमेंट, और दिल को मतलब बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस चीज़ को बयान करने के लिए कि यहाँ से हमें श्री क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और हमें श्री क्षेत्र दिख रहा है, और भगवान जी की जो मंदिर की पताका है वो लहरा रही है। तो हम यहाँ पे अभी रुक गए हैं दही बड़ा खाने के लिए, क्योंकि हमें जिनके साथ मंदिर के दर्शन करने हैं उनका भी वेट करना है। तो हम यहाँ पे अभी खा रहे हैं दही बड़ा, जो कि उड़ीसा का बहुत फेमस है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है दही बड़ा, तो आप देखिए मेरे साथ, तो भैया दही बड़ा भी बना रहे हैं। तुमको खाती हो मिर्च तो ठीक है, दही बड़ा में आप देख सकते हैं मिर्च है, नींबू है, नमकीन है, आलू की सब्जी है, जो बहुत ही टेस्टी है, और बहुत ही मतलब सुंदर अलग तरीके का दही बड़ा है, जो आप नॉर्थ का और दूसरे शहर में खाते हैं वैसा नहीं है, बट बहुत टेस्टी है। दही बड़ा खाने के बाद हम लोग बढ़ गए हैं पूरी बीच की तरफ। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग किनारे पर हैं, और एकदम सन्नाटा ही दिख रहा है, बहुत ही गिनती चुनती के लोग भी दिख रहे हैं साइड पर, क्योंकि बहुत धूप है। बट इस टाइम पे आप देखिए, ये देखिए कितना सन्नाटा है, और हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। ये है पहन पहन के सब, क्योंकि बहुत धूप तेज है, तो मुझे लगता नहीं कि अब हमारी हालत क्या होगी। अभी तो गोरे गोरे दिख रहे हैं, आप लोग देख लो, और अभी शाम होते होते और मुंबई लौटते लौटते हमारी क्या हालत होगी हमको भी नहीं पता, बट हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं पूरी। कुछ भी कहें पर यहाँ पे देखिए आप, जीरो पॉल्यूशन दिखता है, कितना खूबसूरत आसमान दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ के बीचेस की तो मैं पहले से ही बहुत फ़ैन हूँ, पुरी के बीच हो या कोणार के बीच हो, पहले से ही फ़ैन हूँ, पर ये देखिए मतलब अमेजिंग। मुंबई के लोगों को तो मतलब देख के पता चलेगा कि बीच कैसे होते हैं और मुंबई के बीच कैसे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैं अपनी पुरानी मेमोरीज़ को मतलब ताज़ा कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नीला समंदर देखना एक मोमेंट पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे समंदर और आसमान एक हो गए हैं। तो आप भी मेरे साथ इस अमेजिंग मोमेंट का मतलब अमेजिंग मोमेंट को एंजॉय करें, और देखें कि कितना खूबसूरत बीच है यहाँ पे। भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कुछ लोग दिख रहे हैं गिनती चुनती के, मेन जगह पर थोड़े लोग होंगे, हम थोड़ा सा और आगे चले गए हैं। बट हाँ ये है कि गर्मी की वजह से लोग नहीं हैं अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें शाम को यहाँ पे बहुत क्राउड मेला जैसा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, लोग घूम रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं, पर रात को समंदर थोड़े दिखता है, समंदर तो दिन में दिखता है। तो हम लोग सही टाइम पे आए हैं, तो आप भी इन्जॉय करें हमारे साथ।
मैं और शीतल यहाँ पे बैठ गए हैं समुंदर के किनारे। आंखें नहीं खुल रही थी क्योंकि इतना तेज़ धूप थी, और आप देखिए कितना साफ है। तो हम लोग यहाँ बैठ गए हैं और थोड़ी देर एक दूसरे से चिट चैट कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और समंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं हम लोग। जा रहे बीच से टेम्पल, हाँ मंदिर जाके दर्शन करेंगे, महाभोग खाएंगे, हाँ और फिर कोणार्क। तो आपको कोणार्क दिखाएंगे और मंदिर के आसपास, हाँ चलो। तो यहाँ पे बीच देखने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ जगन्नाथ जी से मिलने। कार पार्क कर दिए हम लोगों ने यहाँ पे पार्किंग में, ये देखो ओड़ी कार पार्किंग वाला। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, अब मिलेंगे आपको मंदिर के आसपास, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा नहीं जा रहे निकलते, तो हम मंदिर के आसपास से आपको दिखाऊंगा। चलिए ट्रेन में जा रही है, ट्रेन क्या है मेरे मुंह से, और ये है ई रिक्शा और हमारे मुझे ट्रेन ही, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहाँ, श्री धाम महाप्रभु के दर्शन करने, जो शब्दों में नहीं है, मतलब थोड़े इमोशनल हो रहे हैं कि हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो अभी बाद में मिलते हैं रोने के बाद।
कार पार्क करने के बाद में आपको जो गवर्नमेंट का जो कार्ड लगाया हुआ है आप उसको यूज़ करें, अपना पर्सनल ना लें, क्योंकि पर्सनल में आप लूट सकते हैं, वो लोग कुछ भी पैसा मांगते हैं, 150-100 रुपया। तो बेटर है कि जो गवर्नमेंट के ई कार्ड्स लगाए हुए हैं आप उनको यूज़ करें, जो पार्किंग में आपको मिनट मिनट पर मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं ना लोग जो भाग रहे हैं सब पीछे पीछे, ये गवर्नमेंट का ही है जो फ्री सर्विस है आपकी। तो आप इस चीज़ में पहले से ही ध्यान रखें, लूटने से बच जाएं। और जय जगन्नाथ जी, यहाँ पे जगन्नाथ जी यहाँ पे और पास पास दिख रहे हैं हमको, मंदिर उनकी पताका हमको दिखाई दे रही है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, तो आप देखिए चारों तरफ ये कॉरिडोर बन गया है जो कि पहले नहीं था। जब मैं यहाँ पे थी उड़ीसा में तो ये कॉरिडोर नहीं था, बट अभी कई साल बाद आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है मंदिर के आसपास, हर तरफ मतलब एक चारों द्वार अब आसानी से एक्सेस हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है देखने से। और बहुत ही बड़ा क्षेत्र जो है वो कवर किया है। तो ये जगन्नाथ जी का कॉरिडोर भी रेडी है एकदम, और अभी कुछ कुछ काम चल भी रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कुछ लोग दुकानदार अपना सामान बेच रहे हैं, इतनी गर्मी में लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। और यहाँ से दर्शन मतलब श्री क्षेत्र शायद यहीं से शुरू हो जाता है जो कॉरिडोर वाला है। ये तो पूरी धाम तो पूरा ही श्री क्षेत्र है, पर जो कॉरिडोर बना है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखिए ये भी एक बड़ा कुछ यहाँ पे बनाया है भगवान के लिए शायद, अभी पूछते हैं किसी से कि वो क्या है। कब होली को आके झूला झूलते हैं इधर आके राधा कृष्ण रूप में। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये इन भैया ने बताया कि यहाँ पे अब होली पे जगन्नाथ जी आके झूला झूलते हैं। और ये देखिए बराबर में एक और खूबसूरत सा मंदिर है, बहुत ही सुंदर। यहाँ तो मंदिरों का शहर है, ये आपको हर छोटी छोटी दूरी पे मंदिर मिलेंगे और बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त करने को मिलेगा यहाँ पे। और ये देखिए टंक तोरण यहाँ पे लोग पी रहे हैं, इसको टंक तोरण बोलते हैं। और खाजा भी बिक रहा है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीज़ें, मार्केट लगा हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे आके जय जगन्नाथ, और करीब आ गए हम भगवान जी के, एकदम बिल्कुल पास में ही खड़े हैं। और देख सकते हैं पताका लहरा रही है यहाँ पे श्री मंदिर की। और अब हम लोग यहाँ पे फ़ोन जमा हो जाएगा, तो फ़ोन जमा करने के बाद अंदर जाएंगे तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे आपको। तो जो भी है बस इतना ही दिखा रहे हैं हम इधर से ही, क्योंकि और दूसरे चारों तरफ जाने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। बट अब हमारा टाइम हो गया है, जिनके साथ हमें दर्शन करने हैं वो अभी पहुंचने वाले हैं। ये देखिए तो हम यहाँ पे अपना फ़ोन जमा कर दे रहे हैं और आपको मिलेंगे दर्शन करने के बाद। तो बने रहिए दर्शनों के बाद हमारे साथ। हो गई है रात पूरा, हम लोग मंदिर में बहुत टाइम दिया, हम जगन्नाथ जी के घर में हम लोग बैठे रहे और खूब दर्शन किया, महाप्रसाद खाया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, प्रसाद वसाद लिया। तो पूरा रात हो गई, आज हमारे दर्शन हुए जगन्नाथ जी और बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन, बहुत अच्छे से। और हमको दो बार दर्शन करने मिले और बहुत दर्शन करने मिले और पूरे दिन आज जगन्नाथ जी और बहुत अच्छे खाना मिला, तो बहुत अच्छे हुए। और आगे दूसरे मंदिर जाते हो तो आपको और दिखाते हैं। तो हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं, जगन्नाथ जी ने हमें दर्शन दे दिए। आप देख सकते हैं कि पीछे उनकी पताका फहरा रही है और हमने जगन्नाथ जी का जो ध्वज है वो चेंज होते हुए देखा। और शीतल को तो बहुत मजा आया, देख रहे हो आप उसकी खुशी का ठिकाना। हाँ, और मैं अपना टैन फेस भी देख रही हूँ।
पर जगन्नाथ जी काले हैं तो भाई तो काला ही करेंगे अपने भक्तों को, तो हमको भी कालिया कालिया बोलेंगे सब। पर हाँ कुल मिला के दर्शन बहुत अच्छे हुए और हमने महाप्रसाद भी लिया, महाप्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जगन्नाथ जी को एक बार फिर से धन्यवाद, उन्होंने बुलाया। जय जगन्नाथ, दो बार दर्शन करें है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे, आगे का देखते हैं कहाँ जाना है क्योंकि हो गई है रात, प्लान में ऑलरेडी डिले है क्योंकि पूरे दिन आज जगन्नाथ जी घर पे पड़े रहे हम लोग। तो चलिए फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये मंदिर आप देख रहे हैं जो मैंने आपको दिन में भी दिखाया था जाते टाइम, रात में और खूबसूरत लग रहा है। संध्या आरती की तैयारी चल रही है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं मंदिर के और अब एकदम अंधेरा हो गया है। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे निकलेंगे। आप देख रहे हैं कितना भव्य मंदिर है और यहाँ पर ये देखिए जगन्नाथ जी को हम अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा जगन्नाथ जी के बहुत सारे रूप, तो अभी हम जगन्नाथ जी को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कितने तरह के जगन्नाथ जी के रूप यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी 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 छोटी। तो अभी हम यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे जगन्नाथ जी को अपने साथ लेके। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेकर हम लोग निकल गए हैं कोणार्क के लिए रात में ही, क्योंकि कोणार्क हमको जाना है, सूर्य उदय देखना है कल हमें। तो हम यहाँ से निकल गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, रास्ता तो एकदम सेफ है बट अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, फिर भी हम लोग निकले। जगन्नाथ जी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं ये कोणार्क वाला रास्ता है, कुछ नहीं दिख रहा है, जंगल है और यहाँ पे हमें लैंग्वेज नहीं आती, सब कुछ नया है, फिर भी हम निकले। तो अब आपसे मिलेंगे हम कोणार्क में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और तो और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। थैंक यू।